hi everyone my name is anjali verma and welcome to my youtube channel so in today's video we are going to discuss about how can you complete your math syllabus in seven days सो अ लॉट ऑफ यू हैड कमेंटेड दैट यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन मैथ्स एंड यू जस्ट वॉन्ट टू पास और सिर्फ सेवेंटी प्लस एट्टी प्लस स्कोर करना है तो हम कैसे करें या इवन इफ यू वॉन्ट टू स्कोर नाइन्टी प्लस और नाइन्टी फाइव प्लस एंड यू वॉन्ट टू कवर ईच एंड एवरी थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सेवन डेज सो हाउ कैन यू डू इट सो यही सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले अगर आपको पास होना है एंड आपको लग रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा कम सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप क्या करो सो पास होना है ना तो सिर्फ पी वाई क्यूज़ पकड़ो पी वाई क्यूज़ में जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो कर लो पूरी एन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड पूछे जाते हैं सो यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस पी वाई क्यूज एंड अलॉन्ग विद इट यू कैन डू द सैम्पल पेपर्स नाउ वाई एम आई सेंग दैट प्रैक्टिस द सैम्पल पेपर्स बिकॉज नाउ केस स्टडी क्वेश्चन देन एम सी क्यूज वन मार्कर्स दे आर ऑल्सो आस्ट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सो वन मार्क के जितने क्वेश्चन हैं यू शुड डू फ्रॉम द सैम्पल पेपर्स लाइक जितने भी आपके फाइव मार्क के हैं या कई बोर्ड्स में सिक्स मार्क्स के भी होते हैं क्वेश्चन तो वो तो रिपीटेड पूछे जाते हैं आप पी वाई क्यूज चेक कर लो प्रीवियस टेन तो उसमें तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना दे आर ऑलमोस्ट रिपीटेड सम वैल्यूज वुड भी चेंज्ड बट बाकी जितना भी आपका पेपर होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है सो इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू पास ओनली टू द पी वाई क्यूज एंड द सैम्पल पेपर्स डोंट डू एनी थिंग एक्सेप्ट इट अगर आप अभी से एन सी आर टी ले कर बैठोगे तो वो कम्प्लीट नहीं होगी क्योंकि इंटीग्रेशन में ही एक महीना लग जाता है एक महीना ही है आपके पास एंड उसमें भी आपके पास हर एक सब्जेक्ट को आपको कवर करना है तो इसीलिए अगर सिर्फ पास होना है पीवाई और सैम्पल पेपर्स पकड़ो एन सी आर टी फिर से मत खोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो पी वाई करो सैम्पल पेपर्स इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है अगर आपको पास होना है उसके बाद वील टॉक की क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिटर्मिनेंट्स से आपके सिक्स फाइव या फोर मार्क के क्वेश्चन आते हैं सी में फाइव मार्क्स के ही आते हैं बट अदर बोर्ड्स जितने भी हैं लाइक यू बोर्ड या कोई स्टेट बोर्ड है वहाँ पर सिक्स मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं तो डिटर्मिनेंट्स की जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ना उसी से आते हैं डिटर्मिनेट्स के क्वेश्चंस लाइक बाकी जो पहले की एक्सरसाइजेज हैं एंड जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी बट अब वो कट गई है तो वहाँ से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला तो डिटर्मिनेंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बचता है आपका अब वो इसमें है जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करनी होती हैं एंड अगर आपको नहीं आता है तो मैंने मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं वहाँ से आप देख सकते हो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथ्स के मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स के बस कुछ चैप्टर्स बचे हैं होपफुली आई विल प्रोवाइड इफ आई गेट टाइम उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ़ सो एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटि चैप्टर्स में से फाइव मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एंड इनकेस आप यूके बोर्ड से हो या फिर स्टेट बोर्ड से हो तो वहाँ पे सिक्स मार्क का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इसमें भी हर एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करनी है जो आपकी टेंजेंस एंड नॉर्मल्स वाली है वो वाली करो एंड जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है सो so, जो लास्ट एक्सरसाइज है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे तो उसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस करो एंड मिसलिनियस अगर हो सके तो मिसलिनियस देख लो क्योंकि मिसलिनियस से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं अगर नाइन्टी प्लस नाइन्टी फाइव प्लस स्कोर करना है तो मिसलिनियस एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल भी मत छोड़ना देन वी हैव इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन कई लोगों ने कमेंट किया कि दी इतना लेंदी है कहाँ से करें कैसे कंप्लीट करें सिर्फ पी वाई के यूज़ करो लाइक जितने फॉर्मूलाज हैं वो तो आपको डेफिनेटली लर्न होने चाहिए फार्मूला के साथ साथ जितने पी वाई के यूज़ में क्वेश्चन हैं वो करो बिकॉज अगर आप इंटीग्रेशन ले कर बैठोगे ना तो वन मंथ लग जाएगा आपका तो आपके पास इतना टाइम अब नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस यह क्वेश्चन पेपर्स करो एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की जो फ़र्स्ट एक्सरसाइज है बाकी तो उसमें सब कट गया सिर्फ़ एक एक्सरसाइज है और ये छोड़ के मत जाना यहीं पर से आपके फ़ोर टू फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बची है सो यू हैव टू एक्सेल इन इट यू डोंट हैव टू लीव दैट एक्सरसाइज़ बिकॉज वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंशियल इक्वेजनस सो उसमें आपके एक तो है होमोजिनस डिफरेंशियल इक्वेजन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेजन सो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इनके जितने भी प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वो डेफ़िनेटली आप प्रैक्टिस करो बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेजन से होमोजिनस आता है या फिर लीनियर इसके अलावा बहुत रेयरली कोई भी क्वेश्चन आता है सो so इतना ही करो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करने हैं बट जितने भी पी वैक यूज़ में आए हैं वो सारे आपको आने चाहिए उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट वैक्टर्स तो उसमें बस डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट है इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल क्योंकि यही पोर्शन आपका क्लास इलेवेंथ में भी कवर अप होता है उसके बाद एरिया निकालनी आती है वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से सो so वो भी डिफिकल्ट नहीं है तो वेक्टर्स वाला जो चैप्टर है ना वो इजी है एट द सेम टाइम इट इज़ स्कोरिंग एज वेल सो इसीलिए वेक्टर वाले चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इसकी हेल्प से जो एरिया निकालनी आती है वो करो उसके बाद वी हैव प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में आपको करनी है बेस थ्योरम नाउ ये जो बेस थ्योरम है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये या तो फाइव या फिर सिक्स मार्क्स की डेफिनेटली आती हैं एंड लोग जो मैंने सैम्पल पेपर्स देखे सो so प्रोबेबिलिटी से जो आपके क्वेश्चन आए हैं ना वो केस स्टडी आए हैं तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आप देख लेना कि प्रोबेबिलिटी से किस किस टाइप के आए हैं उनको डेफ़िनेटली आप प्रैक्टिस करना देन वी हैव लीनियर प्रोग्रामिंग सो लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर आप सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर लोगे ना तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर लोगे बिकॉज लीनियर प्रोग्रामिंग के जो मैंने सैम्पल पेपर्स देखे ना तो उसमें इस वाले चैप्टर से आपको चॉइस मिली थी एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया था दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो फर्स्ट एक्सरसाइज से आपके जब क्वेश्चन आ रहे हैं यू कैन इजीली स्कोर वहाँ पे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस करो एंड अगर आपको 95 फाइव प्लस स्कोर करना है तो ऑब्वियसली आपने पहले से पढ़ाई की होगी तो उस केस में तो आपको हर एक चीज़ पढ़नी है हर एक क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का लाइक like आई वॉज़ एबल टू स्कोर हंड्रेड बिकॉज एन सी आर टी का हर एक क्वेश्चन मुझे आता था एंड मैंने एन सी आर टी को फाइव टू सिक्स टाइम प्रैक्टिस किया ही था एंड लाइक like इतने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करने के बाद ना हर एक क्वेश्चन का आंसर भी लर्न हो जाता है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन है ओके okay, ये इस एक्सरसाइज का था इसका आंसर भी ये है तो वो हर एक चीज़ याद हो जाती है एंड अगर आपने टारगेट सेट किया था कि आपको हंड्रेड स्कोर करना है तो आपको पहले से पढ़ना चाहिए था बिकॉज अगर मैं अभी से कहूँ तो आई डोंट थिंक सो कि हंड्रेड आप स्कोर कर पाओगे क्योंकि मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसमें आप अभी से लर्न करके स्कोर कर लोगे मैथ्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ आई टॉक अबाउट एट्टी प्लस और एटी फाइव प्लस तो डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो अभी से पढ़ के भी बट हंड्रेड स्कोर करना इज अ बिट डिफिकल्ट हाँ अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरी थिंग इज पॉसिबल बट स्टिल एक रियलिटी चेक मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर आप कोई ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो जो जस्ट अभी एंटर कर रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द स्टार्ट इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर हंड्रेड उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स में वो मैंने सब आपको बता दिया पास होना है तो क्या करना है सिर्फ पी वाई हैं जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सब करने हैं उनमें से तो एक भी नहीं छूटना चाहिए एंड देन उसके बाद मैंने अलग अलग स्ट्रैटीज़ भी आपको प्रोवाइड कर रखी हैं मैंने फिजिक्स के लिए भी केमिस्ट्री के लिए भी प्रोवाइड कर रखी है मैथ्स की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी केमिस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ्स के क्या हैं फिजिक्स के क्या इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट डेरेवेशन है सब मैंने प्रोवाइड कर रखा है यू कैन गो टू माई चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट आपको सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी वन शॉट वीडियोज़ भी मिल जाएंगी आपको फॉर फिजिक्स एंड सिमिलरली मैथ्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी सो दैट सॉल्व फॉर टुडेज वीडियो आई होप दिस वॉज यूजफुल डोंट फोरगेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग